चतरा जिले में इस साल धान की बम्पर पैदावार हुई है। सरकार इस साल पैक्स के माध्यम से धान की खरीद कर रही है। किसानों ने अपनी उपज पैक्स में पहुंचा भी दी है, लेकिन पैक्स के धान अधिप्राप्ति केंद्रों से जिला तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था नहीं हो पाई है। नतीजा ये हुआ है कि अधिकतर पैक्स भर गए हैं और अब धान रखने की जगह नहीं बची है। प्राप्ति केंद्र चतरा जिले के सभी पैक्सों में बनाए गए हैं। इनमें धान भी रखे जा रहे, लेकिन पैक्स से जिला तक या गंतव्य तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था नहीं की गई है। नतीजा ये हुआ कि धान गोदामों में ही पड़े पड़े सड़ने के कगार पर है। पता करने आए हैं कि धान खरीदारी है या नहीं है, मैसेज में क्या कमी है, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि गोदाम फुल हो गया है, जिसके चलते धान अभी खरीदारी में रुकावट आई है। तो फैक्स महोदय बोले कि एक हफ्ते बाद पता कर लीजिएगा, उसके बाद आके धान दीजिए। जो कि हम लोग किसान अभी तक व्यस्त हो रहे हैं कि धान पैक्स में देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन पैक्स यहाँ भरा हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करें अब। जो कि हम लोग बहुत परेशानी हैं, अभी तक ऑनलाइन भी किए हैं, ऑनलाइन किया हुआ जो है सो उसका निदान नहीं हो रहा है, जो है सो सब फुल हो चुका है। तो पैक्स इसमें क्या करेगा, इसमें तो सरकार का इसमें नीति लेना होगा जो है सो। और ट्रांसपोर्टिंग माल जो कि सजाई नहीं रहा, इसमें सब गोदाम भर गया, फुल हो गया है। अधिकतर पैक्स भर गए हैं। पैक्स के साथ कई दूसरे सरकारी भवनों में भी धान रखा जा रहा है। पैक्स अध्यक्ष ने अब धान खरीदने से मना कर दिया और एक बार फिर किसान बिचौलियों को धान बेचने पर मजबूर है। आंदोलन के पश्चात बिचौलियों को ना धान बेच के सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है 19.40 रुपए प्रति किलो, जिसमें बोनस 1.10 रुपए, कुल मिला के 20.50 रुपए प्रति किलो का धान हम लोग क्रय कर रहे हैं। किसानों से हमारा आग्रह होगा कि वो अपना जो स्थानीय हमारा जो पैक्स है वहाँ पे जाके धान का बिक्री करें। किसान हार तोड़ मेहनत करता है, फिर कहीं जाकर फसल की उपज होती है और एक बार फिर किसान अपनी फसल को औने पौने दाम में बेचने को मजबूर है। न्यूज 11 भारत के लिए चतरा से संजय। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।